आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इकोनॉमिक्स का बजट, जिसकी जो इकोनॉमिक्स में वेटेज है बहुत ज़्यादा मार्क्स है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो कितना इजी वे में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो समझना। देखिए बजट सबसे पहले आपको समझना है बजट होता क्या है। देखिए अभी आपने देखा फेब में 1 तारीख को बजट पेश किया गया था। बजट पेश किया गया तो हमने क्या देखा था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट बताया कि आने वाले टाइम के लिए जो ईयर स्टार्ट होगा उसमें कितना पैसा आ सकता है और कितना कितना पैसा हमें खर्च करना है। तो देखो आपको क्या पढ़ना है इसमें, बजट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। देखिए सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? भैया फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। अभी जो बजट पेश हुआ है फेब में वो अभी लागू नहीं होगा, 1 अप्रैल से चलेगा वो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लास्ट ईयर तक। और ये क्या बताता है, एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब मिलना, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, उन सबका ये एस्टिमेट है पूरा, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पैसा मिलने के। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को कैसे पैसा खर्च करना है वो बताती है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो आपने एक चीज़ नोट किया, ये क्या है, एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, और एक फाइनेंशियल ईयर है। देखिए बजट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आपको जो बजट पढ़ना है वो यूनियन गवर्नमेंट का पढ़ना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो बजट तो हर राज्य का भी होता है, दिल्ली का अलग है, यूपी का, केरल का, बंगाल का, नागालैंड का, बट आपको किनका डिस्कस करना है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पढ़ना है, क्योंकि सब में सेम ही है, सबका पर्पस क्या है, रिसिप्ट पैसा मिलना और खर्च करना, कहाँ से क्या जो भी रिसोर्सेज है उनसे पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उन्हें खर्च कर देती है। तो आपको जो बजट पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। और बजट कौन पेश करता है, अभी बता दूँ आपको, 1 फेब को पेश हुआ था, 1 फेब को, और कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, और अब फाइनेंस मिनिस्टर का नाम सबको पता है, हाँ जी कौन है इस टाइम रिसेंटली प्रेजेंट में, अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीता रमन जी, हमारे प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है जो हमारा बजट पेश करते हैं। तो ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है हमें और फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। एक बात और ध्यान देना इस बजट में, जो यहां पे एक वर्ड है एस्टिमेट्स, ऑफ रिसिप्ट, क्या मैं मान लूं कि जो मैंने बोला है कि एग्जैक्ट वही टैक्स कलेक्शन होगा? सोचो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें एस्टिमेट 500 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होगा, इतना पैसा रिसिप्ट होगा, क्या कन्फर्म है क्या? एक बार बताओ आपके मार्क्स 95 आएंगे? श्योर हो? बिल्कुल श्योर नहीं हो। आपके मार्क्स 95 प्लस भी आ सकते हैं और 95 से कम भी आ सकते हैं, डिपेंड करता ना आपके मेहनत कैसी है, पढ़ कैसे रहे हो। ठीक, यहाँ पर एक वर्ड है एस्टिमेट्स, यहाँ पर रिसिप्ट कंफर्म नहीं है कितना पैसा आएगा आपके पास, रिसिप्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये एस्टिमेट है जो पिछले साल को हम एवरेज बनाकर मैनेज करके देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास इस साल भी इतना एस्टिमेट आ सकता है। एक्सपेंडिचर भी वही चीज़ है, फिस्कल ईयर, देखिए यहाँ पर हिंदी में वर्ड है, इसे बोलते हैं राजकोषीय, हिंदी में एक वर्ड है राजकोषीय, ये गवर्नमेंट का ईयर, गवर्नमेंट बनाया गया बजट है, गवर्नमेंट का ईयर फिस्कल ईयर, गवर्नमेंट जी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हर बिजनेस के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, जो हमारे गवर्नमेंट का ईयर 1 अप्रैल से ही चलता है, तो उनके अकॉर्डिंग बताया गया कि कितना पैसा मुझे मिलेगा और कितना पैसा मुझे खर्च करना है। तो ये एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट भी है और एक्सपेंडिचर भी है।
पहले इसे सुंदर सा कॉपी करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए हेल्प, अब जो हमें डिस्कस करना है पर्पस ऑफ बजट। देखिए ध्यान देना, अब तक आपने क्या पढ़ा, बजट क्या है वो डिस्कस किया। बजट में क्या आपने पढ़ा था कि बजट में एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा मुझे कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट को, कितना पैसा खर्च करेगी, इसका ब्यौरा है। बजट कब बनता है, 1 फरवरी को पेश हुआ, कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर के लिए बात होती है, आपको बताया। और बजट कौन सा बजट पढ़ना है, आपको यूनियन गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। देखिए आपने सब कुछ डिस्कस किया, आपने ये चीज़ नोटिस किया, बजट बनाते क्यों है, पर्पस क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आना ही आना है, पर्पस ऑफ बजट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स लिखे हैं और एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पर्पस, बजट का क्या पर्पस हो सकता है। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ध्यान समझना। ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो हमारे लिकर्स वगैरह, शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, जो भी नशीले पदार्थ है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि ये हानिकारक चीज़ें हैं, और उन पर टैक्स बढ़ाकर टैक्स ज़्यादा लेती है, और किसको दे देती है, आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडीज देती है कि नहीं, किसानों को, मजदूरों को, गरीब वर्ग को। तो इसे बोला गया री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कैसे री एलोकेट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान समझना। सबसे पहले देखो मैं बताने वाला हूँ, आपने बोला कि सर सिगरेट हो गया, पान हो गया, लिकर हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी नशीली चीज़ें हो सकती है, इनके ऊपर टैक्स राइज किया जाता है, इन पर टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, और जो हमारे फार्मर्स हैं, पुअर पीपल हैं, या इंडस्ट्रीज वगैरह को आर्थिक सब्सिडीज दी जाती हैं। देखो यहाँ पर इनसे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, इनसे टैक्स वसूल करके किस पे दिया जा रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर, गरीब लोगों पर, फार्मर के ऊपर, इन पर इनको सब्सिडीज दी जा रही है, ताकि हमारे पास क्या हो सके, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इन्हें प्रेरित करें इंडस्ट्री वाले को कि आप हमारी इंडस्ट्री खोलो, बिजनेस करो, हम आपको डिस्काउंट छूट दे देंगे, सब्सिडीज वगैरह देंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, रिसोर्सेज देंगे, बट इन पर टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि ये हानिकारक चीज़ें हैं। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट क्या करती है, जो वीट है, राइस है, वो शुगर वगैरह, आपने देखा PWS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, बहुत कम रेट पे लोगों तक पहुंचाती है, क्यों, ताकि लोगों तक वीट, राइस, शुगर पहुंच सके, और गवर्नमेंट देखो वहाँ पर उन्हें सब्सिडीज दे रही है, और इनसे क्या ले रही है, ज़्यादा टैक्स लेती है। तो इसे रीगुलरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, ध्यान समझना, अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता बढ़ती जा रही है, उन्हें कम करना ही क्या पर्पस है बजट का। ये क्या करता है, गरीब और अमीर के बीच में जो बहुत चौड़ी खाई हो गई है, डिस्टेंस मैटर हो रहा है, उसे कम करना है। कैसे, बजट इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, ध्यान समझना। गवर्नमेंट दो बजट क्यों बनाती है, एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है। देखिए रिच वाले की मान लो सैलरी 100 रुपये कमाता है, और ये कमाता है 20 रुपये कमाता है। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट इनसे टैक्स नहीं लेगी, ये तो और अमीर हो जाएगा, और अमीर होता चला जाएगा, और ये बंदा गरीब, वो गरीब का गरीब ही रहेगा, और गरीब हो जाएगा, बच्चे पढ़ा नहीं पाएगा, ना स्कूल भेज पाएगा, ना हॉस्पिटल इलाज करवा पाएगा, ना अपने बीवी बच्चों को देख पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आपने क्या देखा, गवर्नमेंट क्या करती है, इनके बीच जो इनक्वालिटी है उन्हें कम करती है, गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेती है। सपोज मैंने टैक्स 30 रुपये मान लिया, कितना हो गया 70, और ये 30 रुपये क्या गवर्नमेंट इनको दे दे कैश में, नहीं, गवर्नमेंट कभी भी ये जो पुअर पीपल है उनको टैक्स 30 रुपये कैश में नहीं देगी, क्या देगी उन्हें, 30 रुपये का सोशल वेलफेयर। अब आपको क्या, सोशल वेलफेयर क्या है, सोशल वेलफेयर में आपका ध्यान देना क्या कह सकता है, स्कूल खोल रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वाटर है, पानी की सुविधा उनको दे रही है एटसेट्रा, जितने भी सोशल वेलफेयर काम हो सकते हैं गवर्नमेंट इनके लिए करती है। इससे देखो ध्यान देना, कमाता वो बंदा 20 रुपये है, बट गवर्नमेंट ने इनको स्कूल फ्री में प्रोवाइड किया, इन्हें एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में, हेल्थ दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, ताकि इनकम थोड़ी सी राइज हो सके और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कम हो सके। इसे कॉपी करो। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए सपोज अगर आपके इकोनॉमिक के अंदर इन्फ्लेशन हो गया है, आपने इसे पहले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, हमने इन्फ्लेशन और एक इन्फ्लेशनरी गैप और एक होता डिफ्लेशनरी गैप। यहां बोलते हैं स्फीति, यहां अपस्फीति। देखिए यहां पर मैंने बताया था अगर डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, यहां पर डिमांड कम हो जाता है सप्लाई से। अब लॉजिक समझना, गवर्नमेंट को पता चल गया है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, सपोज मान लेते हैं कंट्री में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, गवर्नमेंट क्या करेगी? देखो गवर्नमेंट को पता चल रहा है बजट पेश करने जा रहे हैं, बजट पेश होने वाला है, और गवर्नमेंट देश में कंडीशन कैसी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट इस वाले केस में रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करेगी अपने सरकारी खर्चे कम कर देगी, क्योंकि जो डिमांड ज़्यादा हो रही है उसे कम किया जा सके। और इसका उल्टा यहाँ ध्यान देना, डिफ्लेशनरी गैप, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में चीज़ें बहुत है लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, उल्टा गवर्नमेंट चाहती है डिमांड बढ़े, क्या कर देगी गवर्नमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया, इन्फ्लेशन में क्या किया गवर्नमेंट ने, देखा अगर डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट खर्चे कम कर दो, अगर डिमांड कम है तो गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाओ। ऐसा गवर्नमेंट कब कर पाएगी, जब गवर्नमेंट बजट पेश करेगी। तो बजट बनाने के पीछे केवल आपने ये मत देखना कि पर्पज़ क्या था, टैक्स बढ़ा देना, जो भी हानिकारक चीज़ें हैं गरीबों पर खर्च कर देना, अमीरों से टैक्स लेना, गरीबों को सब्सिडी, सोशल वेलफेयर पर पैसा खर्च किया जा रहा है। आपने एक चीज़ एक भी और देखा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखना, देश में डिमांड सप्लाई के इक्वल बैलेंस बने रहे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट पेश करती है, बजट देखती है। तो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो यहाँ पर गवर्नमेंट खर्चे कम कर देगी, और अगर डिफ्लेशन है, डिमांड बहुत कम है, सप्लाई ज़्यादा है, गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी है तो इंक्रीज कर देगी। कॉपी करो इसे। देखिए तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर इम्प्रूव। देखिए गवर्नमेंट ने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक के अंडरटेकिंग में सेक्टर्स आते हैं, उनकी कंडीशन थोड़ी खस्ता हालत है, आप सब देख ही रहे हो गवर्नमेंट की जो सेक्टर की हालत कैसी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इम्प्रूव करने के लिए भी बजट में बात करती है। सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई सेक्टर है जैसे मान लो एक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट का सेक्टर है, और गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की वजह से वो सेक्टर ख़राब हो चुका है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी, बजट पेश जब करेगी तो इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान लगाएगी कि इतना पैसा हमें एक्स्ट्रा इस पर खर्च करना है, ताकि इस सेक्टर को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। तो बजट में हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी इम्प्रूव करते हैं, ये पर्पज़ देखा गया है। पाँचवा पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। लाइक बैकवर्ड एरिया मतलब क्या है, ऐसी जगह जो पिछड़ेपन है, जहाँ बहुत पीछे हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पिछड़ापन काफ़ी ज़्यादा, सुविधाएं नहीं पहुँची, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वहाँ पे लोग जो लोग हैं वहाँ के जॉब की तलाश में कहीं और घूमने के लिए कहीं और जाते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, आप सब देखते हैं। तो आपने देखा डेवलप गवर्नमेंट क्या करती है, इन बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए बजट में बात करती है कि आप इन बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, प्लांट लगाओ, एजुकेशन की बात करो, ताकि इनके लोगों को भी जॉब मिले। तो ये सारी बातचीत कहाँ होती है, बजट में। तो बैकवर्ड एरिया में आप एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक कोई भी स्टेट को देख सकते हो जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक वो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो गवर्नमेंट चाहता है देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, पॉवर्टी कम से कम हो जाए, रिड्यूस हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज
इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, गरीब बेरोजगारी कम हो, गरीबी कम हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई प्लांट्स, नई नई बातें बजट में पेश करती है, एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, नई नई चीज़ें नई तरीके से बात बताती है कि हमें किस तरीके से पॉवर्टी कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है। तो बजट बनाने का कई पर्पस है। बजट में गवर्नमेंट ने आपने देखा वो अपने एक्सपेंडिचर को राइज करती है या टैक्स की बात करती है ताकि किस तरह वो इन चीज़ों पर खर्च करके गवर्नमेंट देश के अंदर गरीबी कम की जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा सके। लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें जिसने इलेक्ट्रिसिटी गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की बात होती है, वाटर, एजुकेशन, स्कूलिंग, हेल्थ एट्सेट्रा। धीरे धीरे देखो जब देश में स्कूल की व्यवस्था ठीक होगी, हेल्थ होगा, वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे डेवलप को जॉब मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसके भी बात हम कहाँ करते हैं, बजट में बात करते हैं। ऐसे कॉपी करो। देखिए बजट में दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। अभी एक बहुत सुंदर चार्ट बनने वाला है, यहाँ पर ध्यान देना और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। अभी आप कॉपी मत करना, कॉपी बाद में बताऊंगा तब कॉपी करना है, क्योंकि पूरा मुझे बताना है। इसके लिए आपको एक बड़े से पेज में कॉपी करना है, इसे करना भी तो बताऊंगा कब कॉपी करना, बस समझो सारा ध्यान नहीं पर होना चाहिए। ठीक है, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या होता है बेटा, प्राप्तियाँ हिंदी में भी, और ये खर्चे। देखिए गवर्नमेंट के पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट बताया आपको मैंने, एक तो प्राप्तियाँ और एक खर्चे, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से समझना, रिसिप्ट आर टू टाइप्स, एक रिवेन्यू रिसिप्ट है और एक कैपिटल रिसिप्ट है। इसी तरह सेम एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के हैं। अभी हम एक एक करके सबकी बात करेंगे तो ज़्यादा भी खुश होने की जरूरत है, डिस्कस किया जाएगा, एक करके बात करेंगे। एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपनी, अब तक मैंने आपको क्या बताया, बजट आर टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट में एक था रिवेन्यू रिसिप्ट था और एक एक्सपेंडिचर था। रिसिप्ट में टू टाइप्स, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि होते क्या हैं, ये तो आपने लिख दिया, ध्यान समझना। पहले मैं दो बातें लिखूंगा फिर से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, पूरा फोकस यहीं रखो। नॉट क्रिएट लाइबिलिटी और एंड सॉरी एंड नॉट रिड्यूस असेट्स। यहां मैं वर्ड लिखूंगा क्रिएट लाइबिलिटी या रिड्यूस असेट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो कॉमर्स वालों के लिए तो समझना बहुत इजी हो जाएगा, लाइबिलिटी और असेट्स वो तो पढ़ते हुए हैं, वो तो काम ही यही था लाइबिलिटी असेट्स के बारे में बात करना, पूरी इलेवंथ उन्होंने इसी में निकाल दिया, लाइबिलिटी असेट्स, लाइबिलिटी असेट्स कैपिटल, लाइबिलिटी असेट्स कैपिटल। बट आर्ट्स वाले बच्चों आप बेफिक्र हो, सब कुछ बताया जाएगा आपको। देखो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी का मतलब देखिए ध्यान देना, लाइबिलिटी का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कर्जा। देखिए अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाती है, क्यों, आज नहीं तो कल आपको उसके पैसे वापस करने हैं। कॉमन सी बात है, आपने इससे 50 रुपये लिए, क्या कल पैसे नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, अगर पैसे नहीं दोगे थप्पड़ और मार देगा, थप्पड़ मारेगा पैसे छीन लेगा आपसे वो। तो आपने क्या देखा कि अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको उसका पैसा वापस करना है, ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। बैंक से लोन लेते हो, क्या वो आपके लायबिलिटी, आज नहीं तो कल आपको उसके पैसे वापस करने हैं। दूसरी बात असेट्स, असेट्स का मतलब होता है बेटा संपत्ति। मैं शॉर्ट में बता दूं, जिस पे भी आपका हक है, आप यहां बैठे हैं, ये कॉपी आपकी है बिल्कुल है, पेन आपका है बिल्कुल है,
बुक आपकी है, बिल्कुल है, ये सब आपकी क्या है, असेट्स हैं, संपत्ति, इस पर आपका हक है। ये ट्यूशन मेरा है, इसे मेरा हक है, क्या है मेरे लिए, असेट्स है। जिन चीज़ों पे हमारा राइट्स होता है वो समझ ले क्या होते हैं, असेट्स। गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट्स की भी लायबिलिटी भी होती है और असेट्स भी होती है। गवर्नमेंट के लिए कर्जे भी होते हैं और संपत्तियाँ भी होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए असेट्स हैं। ध्यान समझना, आपका घर आपके लिए असेट्स है, आपकी स्कूटी आपके लिए असेट्स है, आपके लिए बिल्डिंग आपके लिए असेट्स है। तो जो भी जिस पे भी आपका अपना हक है वो बिजनेस, वो क्या आपके असेट्स कहलाता है। सिंपल वे में समझ लो, काम चल जाएगा। ज़्यादा कॉमर्स में डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आया। तो लायबिलिटी क्या है, कर्जा, और असेट्स क्या है, संपत्ति। मैंने एक बात, एक यहाँ पर एक बात लिखी है, नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड नॉट रिड्यूस असेट्स, ये दो बातें एंड लग गया ना, ना तो लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही असेट्स कम होंगे। पहली बात, आपको मैंने क्या लिखा है कि भैया यहाँ पे ना तो लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही असेट्स कम होंगे, और यहाँ पे क्या लिखवाया है, क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स। या तो लायबिलिटी बनेगी या असेट्स कम होंगे, कोई एक रीज़न, कोई एक रीज़न की बात कर रहे हैं। अब आप सोचोगे मन में कि सर ये तो हमें तब समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल्स दो, कुछ बातें बताओ, ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो चल क्या रहा है। ध्यान समझना, मैं एग्जांपल भी बिल्कुल बता, देखिए ध्यान देना। नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉट रिड्यूस असेट्स, ये ऐसी इनकम होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट, जो मिलती तो है लेकिन मिलने से ना तो कर्जे बढ़ते हैं और ना ही असेट्स कम होते हैं, ये ऐसी रिसिप्ट्स हैं, ध्यान समझना। और कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी बढ़ा देंगे या असेट्स कम कर देंगे, बिल्कुल एक ही करके एग्जाम्पल समझना, तब दिक्कत नहीं रहेगी। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर टू, टैक्स रिवेन्यू और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू भी आर टू टाइप्स, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा मैं राइटिंग में देखना, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा नीचे। तो देखो आपने क्या देखा कि सर ये सारा का सारा क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, एक टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, टैक्स भी दो तरह का, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात सोचो, अभी इसको रिकॉल करना, अगर हम जो टैक्स पे करते हैं हर साल, टैक्स देते हैं, आपने देखा हर साल हम जीएसटी, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, उस पर जीएसटी देते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट पर जो इनकम बनती है, क्या इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है क्या, चेक कर लो, बिल्कुल नहीं। क्यों, ये तो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है उनसे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, पहली बात। एंड क्या गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं, गवर्नमेंट के जिस पर हक था वो कम हो गया क्या, बिल्कुल नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपने क्या देखा, ये क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। दोबारा देखो, रिकॉल करते हैं, तो रिवेन्यू रिसिप्ट तो आपको समझ में आया। अब टैक्स रिवेन्यू को दो तरह का है, देखो ये दो तरह का हो सकता है, टैक्स रिवेन्यू या तो टैक्स की फॉर्म में होगा या टैक्स की अदर फॉर्म में होगा। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में आप पहले से कॉपी कर लो फिर मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको नीचे से हटा के ऊपर लिख दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चार्ट बनाना था, पूरे बड़े पैसे बनाना और उसके साथ ही लिखना, जैसे मैं लिखवाया, जैसे अपने पूरा पहले फॉर्मेट कॉपी किया था, क्योंकि मैं थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसके से मैंने आपको दोबारा यहाँ लिख दिया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले वही बात डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर इसका बर्डन पड़ता है, टैक्स उसी को पे करना होता है। जैसे आपने कहा सर इनकम टैक्स, बिल्कुल सही बोला आपने, इनकम टैक्स। एक एग्जांपल और दो कोई भी, वेल्थ, बिल्कुल सही है, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। आपने क्या देखा, इनकम टैक्स जो पैसा कमाएगा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स जिसकी प्रॉपर्टी उसे टैक्स देना पड़ेगा, कॉरपोरेट जिसका बिजनेस उसे टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसका बर्डन हम जनता के ऊपर डाल सकते हैं, लाइक अगर आप मोबाइल खरीदते हो ना तो टैक्स भी आपको ही पे करना पड़ेगा, कंपनी पे नहीं करेगी। आपने आप बिल भी देखा होगा, प्राइस लिखा होता है, फिर जीएसटी लिखा होता है, दिस दिस करके आपको इंक्लूड करके वो बिल पकड़ा देते हैं, ले भैया ये आप वहाँ बिल, आप उसमें नोट करना आपने टैक्स का पैसा भी पे किया है। तो ये इनडायरेक्ट पैसे हैं जो जनता से लिया जाता है, लाइक जीएसटी।
मैं एक ही शब्दों में बात खत्म करता हूँ, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब तक आपने जो भी देखा टैक्स से रिलेटेड बात करी है, ये भी क्या है नॉन, ये टैक्स रिवेन्यू है, और टैक्स रिवेन्यू भी किसका पार्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज ना तो इनसे लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही असेट्स कम होते हैं। जीएसटी मिलने से सरकार की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, जो लायबिलिटी थी वही रहेगी, लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। जीएसटी मिलने से सरकार के असेट्स भी कम नहीं होंगे, जो थे वैसे के वैसे रहेंगे। थोड़ा फील करके समझना, गहराई है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको सर ये क्या है, थोड़ा सा मेरी लाइनिंग, देखिए नॉन टैक्स रिवेन्यू फीस, इसके अलावा आप इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, फीस गवर्नमेंट को फीस मिल रहा है, लाइसेंस फीस हो सकती है, इसके अलावा गिफ्ट हो गया एंड ग्रांट्स, फॉर फीचर, इनके अलावा और क्या हो सकता है, फीस इंटरेस्ट डिविडेंड प्रॉफिट एंड डिविडेंड एटसेट्रा, एक आध वर्ड और होगा वो भी बता दूँ। देखिए इसमें आपने क्या देखा, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है जो टैक्स के अलावा है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। लाइक आप हेलमेट लगा के नहीं गए, आपका चालान कट गया, फीस एंड फाइन, फाइन भी ले सकते हैं, बिल्कुल मुझे याद आ गया, फाइन भी आपने फाइन पे किया, तो ये फाइन वगैरह जो भी पे करो कहाँ जाकर सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाती है, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इनसे ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही असेट्स कम हो रहे हैं। फाइन हो गया, फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लाइसेंस फीस, गिफ्ट, फोर फीचर, फोर फीचर मतलब गवर्नमेंट ने जिनकी इनकम जब्त कर लेती है, असेट्स वगैरह जब्त कर लेती है, फोर फीचर अकाउंटिंग वर्ड है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड वगैरह, गवर्नमेंट ने क्या कि किसी और कंपनी में पैसा निवेश किया था वहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड कमा रही है, उसे प्रॉफिट एंड डिविडेंड की बात करते हैं। फोर फीचर, किसी ने गवर्नमेंट के शेयर खरीदे पैसा दे नहीं पाया, गवर्नमेंट के शेयर जब्त कर लिए, फोर फीचर आ जाता है। तो ये सारा जो है नॉन टैक्स रिवेन्यू, यहाँ टैक्स की बात नहीं हो रही है, टैक्स के अलावा बात हो रही है, तो ये भी पार्ट है किसका, पार्ट रिवेन्यू रिसिप्ट का। तो आपने एक चीज़ फील किया, रिवेन्यू टैक्स, रिवेन्यू रिसिप्ट दो तरह के हैं, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स रिवेन्यू को मैंने कुछ आइटम्स बताए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कैपिटल रिसिप्ट के बारे में तो बात हो कर नहीं रहे हो, बिल्कुल करते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, पहले क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस असेट्स, ना या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी और या असेट्स कम होंगे, कोई एक रीज़न होगा, बिल्कुल। जैसे अभी आपने बजट पेश किया, बजट पेश में एक वर्ड था डिस इन्वेस्टमेंट, बहुत बार आता है, आप कहोगे सर ये क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। ये बेटा होता क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह है, गवर्नमेंट कंपनियां वगैरह है, उनके शेयर्स बेच देती है, कुछ पार्ट बेच देती है, पूरी कंपनी बेच देती है। गवर्नमेंट अपना शेयर बेच दिया, पैसा तो आ गया, पैसा तो आया मतलब रिसिप्ट तो है, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है, बट वो क्या रहा है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के रिड्यूस असेट्स, गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। कॉमन सी बात है ना, गवर्नमेंट ने अपनी संपत्ति बेच दी, पैसा आ गया, आप अपना मकान बेचते हो तो क्या होता है, पैसा तो तुम्हारे पास आता है बेटा, लेकिन तुम्हारा हक खत्म हो गया, वो मकान तुम्हारा नहीं है, किसी और का हो गया। यही बात तुम्हें यहाँ ध्यान देनी है, गवर्नमेंट ने अपनी असेट्स बेच दिए, अपनी गवर्नमेंट ने कंपनियों का कुछ पार्ट बेचती है, शेयर्स बेच देती है, तो पैसा तो आ जाता है लेकिन बदले में असेट्स कम हो जाते हैं। पहले इन सबको कॉपी करो, डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्वेश्चन में क्या था, पहला पॉइंट डिसइन्वेस्टमेंट। अब दूसरा पॉइंट थोड़ा यहां ध्यान देना, इसी के साथ का ही दूसरा पॉइंट, या तो पहले आप यहां देख लो, दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं आपके पास सामने, लोन बोरोइंग लिख लो आप, तो बोरोइंग वर्ड ठीक रहेगा, ऋण या उधार। देखिए बोरोइंग दो तरह की हो सकती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इंटरनल देश के अंदर से, एक्सटर्नल देश के बाहर से। अब देखो बोरोइंग करने से क्या हो रहा है, आपने कहा सर बोरोइंग जो गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है,
पैसा उधार लिया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार लिया उसे क्या क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी। कोई एक इफेक्ट होगा। एक चीज ध्यान देना, या तो ये होंगे चाहे ये होंगे, असेट्स कम होंगे चाहे लायबिलिटी क्रिएट होगी। इस बोरोइंग करने पे, उधार लेने पे क्या हो रहा है बेटा, ध्यान दो द्वारा, बोरोइंग करने से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना है। इसी का थर्ड पॉइंट याद ध्यान दे रहा हूं, एक और मैं लिखवाता हूं, स्मॉल सेविंग भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? देखो, गवर्नमेंट के पास हम पैसे जमा करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, स्मॉल छोटी बचते करते हैं, किसान विकास पत्र वगैरह भी है, कई सारे इसमें सेविंग है, किसान विकास पत्र, तो कई आपको बस एग्जांपल दूंगा, स्मॉल सेविंग में आता है, किसान विकास पत्र आता है, एक दो और भी है। तो आपने देखा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है, जनता से पैसा लेती है, पब्लिक से, स्मॉल सेविंग करते हैं हम, पैसा जमा करते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट तो है, लेकिन बदले में क्या हो रहा है, ये क्रिएट लायबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना है। और चौथा पार्ट, तीसरा समझा स्मॉल सेविंग, और आपने पहला कहा था डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग, स्मॉल सेविंग, और चौथा हम बोल सकते हैं रिकवरी ऑफ लोन। आप गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उधार पैसा दे रखा था, अदर एजेंसी वगैरह उधार पैसा दे रखा था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, पैसा उधार दिया था, बट अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा रिकवर कर रही है। गवर्नमेंट पैसा रिकवर करेगी तो पैसा तो आएगा, पैसा आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, रिकवरी ऑफ लोन करते हैं, पैसा तो आएगा लेकिन गवर्नमेंट के जो असेट्स थे वो कम हो जाएंगे, असेट्स रिड्यूस, क्योंकि जिस पे गवर्नमेंट का हक था वो चीज़ें वापस जा रही है और पैसा आ रहा है। इसे कॉपी करो फटाफट। देखिए, अब हमें पढ़ना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये किसके पार्ट है, खर्चों के पार्ट है, एक्सपेंडिचर्स के। ध्यान देना, यहाँ भी मैं कुछ लिखने वाला हूँ, नॉट रिड्यूस लायबिलिटी, एंड नॉट क्रिएट असेट्स, नॉट रिड्यूस लायबिलिटी, ना तो ऐसे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनसे ना तो लायबिलिटी कम होगी, नॉट रिड्यूस लायबिलिटी एंड नॉट क्रिएट असेट्स, दोनों रीजन ध्यान देना, ना तो लायबिलिटी कम होगी और ना ही असेट्स क्रिएट होंगे, बट यहां पर एक रीजन हुआ। अब इस दोनों बारे में डिस्कस करते हैं, रिड्यूस लायबिलिटी या क्रिएट असेट्स, या कोई एक रीजन होगा, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, असेट्स कम होगा, दोनों में से कोई एक रीजन होगा। अब आप एग्जांपल समझना, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, इसके एग्जांपल में थोड़ा यहां लिख रहा हूं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ध्यान समझना। पहला, सैलरी टू गवर्नमेंट स्टाफ। एक बात बताओ, गवर्नमेंट, सरकार हर साल गवर्नमेंट स्टाफ के ऊपर सैलरी खर्च करती है, बहुत पैसा खर्च करती है, क्या सैलरी देने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई? चेक कर लो, बिल्कुल नहीं हो रही है। नॉट रिड्यूस लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। क्या गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी देने से रिड्यूस लायबिलिटी हो रही है? लायबिलिटी तो जैसी थी वैसी ही है। दूसरी बात, एंड नॉट क्रिएट असेट्स, क्या सैलरी देने से असेट्स बढ़ रहे हैं? कोई बिल्डिंग खड़ी हुई, कोई ऐसा कोई निर्माण हुआ? नहीं, सिर्फ सैलरी पे हुआ है। सैलरी क्या है? ये हमारे गवर्नमेंट का जो हर साल खर्चे हैं वो होने ही होते, नॉर्मल खर्चे हैं, सैलरी देना, सैनिक पे पैसा खर्च करना, पुलिस पे पैसा खर्च करना। आपको कुछ सैलरी टू गवर्नमेंट स्टाफ, पुलिस वगैरह भी आ जाता है, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, डॉक्टर्स वगैरह भी हो गए, या हॉस्पिटल एम्प्लॉय, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय हो गए। एक बात बताओ, क्या डॉक्टर को सैलरी देने से कुछ क्रिएट हुआ क्या असेट्स? नहीं, लायबिलिटी कम हुई, वो भी नहीं हो रहा है।
एम्प्लॉय हो गया, टीचर्स हो गया, गवर्नमेंट टीचर। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो? पेंशन, बिल्कुल सही है, ओल्ड एज पेंशन भी हो सकता है, विडो पेंशन भी हो सकता है, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप वगैरह भी हो सकता है। टीचर इंटरेस्ट पेड, ये बात भी बता देता हूँ, ध्यान देना। क्या गवर्नमेंट ब्याज पे करती है? गवर्नमेंट हर साल ब्याज पे कर रही है, क्या इंटरेस्ट देने से लायबिलिटी कम हो गई? नहीं, जो लायबिलिटी थी वो है, इंटरेस्ट तो उसके ऊपर देना पड़ा है मुझे। नॉट क्रिएट असेट्स, बिल्कुल सही है, और ना ही इससे कोई असेट्स क्रिएट होती है, असेट्स भी नहीं बढ़ते हैं। इंटरेस्ट तो क्या बढ़ा, जो आपने पैसा उधार लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आपने देखा होगा आसपास कई लोग ऐसा काम भी करते हैं, पैसा ब्याज पे देते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं, और ब्याज देने से आपने से सपोज ब्याज पे पैसा ले रखा है, अगर आप हर साल ब्याज देते हो तो क्या ब्याज देने से आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो तो लायबिलिटी है ही, जो देना तो देना ही है, बट आपके पास इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो आपके जितने भी खर्चे हैं सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इनसे ना तो लायबिलिटी कम होती है और ना ही असेट्स क्रिएट होते हैं। इसे फटाफट कॉपी कर लो। देखिए अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, रिड्यूस लायबिलिटी और क्रिएट असेट्स। पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग बनाओ, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, गवर्नमेंट मॉल बना रही है, हॉस्पिटल्स बनाती है, सॉरी रोड बनाती है गवर्नमेंट, इसके अलावा कोई भी प्लांट लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एटसेट्रा। तो देखो इन सब से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई, स्कूल्स बनाए, गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए, देखो गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल्स बनाया, फ्लाईओवर बनाया, रोड बनाया, तो बदले में देखो मिल क्या रहा है, पैसा तो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा करोड़ों में खर्च होता है, खर्च करती है गवर्नमेंट, लेकिन बदले में क्या क्रिएट हो रहा है? असेट्स। ऐसा करने से गवर्नमेंट को क्या मिल जाता है? क्रिएट असेट्स। पहली बात नोट करना, क्या बताया मैंने आपको, बिल्डिंग बनाने से, फ्लावर बनाने से, हॉस्पिटल बनाने से, स्कूल बनाने से बदले में क्या मिल रहा है? असेट्स मिलता है मुझे, क्यों? गवर्नमेंट का इसके ऊपर हक है, गवर्नमेंट की संपत्तियां हैं ये, गवर्नमेंट के ऊपर राइट है इसका, स्कूल बनाने, बिल्डिंग बनाना, मॉल, प्लांट, बिल्डिंग, फ्लाईओवर। अब देखो एक चीज़ और, एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ देना चाहता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर जगह नहीं बची है, यहाँ ध्यान देना, इसका सेकेंड एग्जाम्पल, री पेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था पैसा वापस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, सारा पैसा भी वापस कर सकती है, कुछ पार्टी पैसा वापस कर सकती है। तो देखो गवर्नमेंट ने पैसा वापस कर दिया, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, बट इससे हो क्या रहा है? रिड्यूस लायबिलिटी, रिड्यूस लायबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं वो कम हो गए हैं। तो आपने दो चीज़ फील किया, क्या फील किया? या तो लायबिलिटी कम होगी या असेट्स बनेंगे, अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ तो असेट्स क्रिएट हो रहा है, अगर लोन की वापसी कर देता हूँ तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे कॉपी करो अच्छे से।